हेलो दोस्तों आज हम बात करेंगे नीट 2022 का रिजल्ट जो है वो कब आने वाला है कौन सी डेट को अपन एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रिजल्ट आ जाएगा तो उसी के बारे में अपन डिस्कस करेंगे नीट जब नीट का जो रिज़ल्ट है ना एग्जाम के विद इन ए मंथ आ जाता है एक महीने के अंदर अंदर रिजल्ट आ जाता है नॉर्मली ठीक है आ, लास्ट ईयर भी लेट हुआ था क्योंकि कोर्ट के अंदर आ, मैटर चल रहा था एन का तो लास्ट ईयर भी लेट हुआ था और इस बार भी अभी कोई एग्जैक्ट डेट तो नहीं आई है एन की तरफ से कि इस दिन आ, नीट का जो रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा लेकिन अपन कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं तो नीट का जो रिजल्ट है ना वो अपन एक्सपेक्ट कर सकते हैं फिफ्टींथ ऑफ अगस्त ठीक है पंद्रह अगस्त के पंद्रह अगस्त के दिन या फिर पंद्रह अगस्त के बाद में ठीक है तो मतलब सत्रह अठारह तारीख तक अपन एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नीट का जो रिजल्ट है नीट दो का रिजल्ट आ जाए दिक्कत क्या है कि बहुत सारे मैटर जो हैं एन का वो कोर्ट में इस बार भी है ठीक है चाहे वो गंगानगर वाले जो पेपर का इशू हो ठीक है वहाँ पर जो सेंटर पर एग्ज़ाम पर एग्जाम सेंटर पर टाइम पर पेपर नहीं दिया वो इशू हो या फिर पेपर जो है अलग लैंग्वेज का आ गया वो इशू हो तो अलग अलग जगह के इश्यूज़ हैं जो कोर्ट में चल रहे हैं और उसी वजह से ये रिज़ल्ट जो है वो डिले हो रहा है ठीक है या फिर अपन ये बोल सकते हैं कि एन की तरफ से कोई एग्जैक्ट डेट है मन को नहीं बताई जा रही है कि इसी दिन रिजल्ट आपका आ जाएगा तो एन की तरफ से कोई अभी ऑफिशियल नोटिस uh, नहीं आया है कि इस डेट को आपको नोटिस रिजल्ट uh, आपका डिक्लेयर हो जाएगा लेकिन बहुत सारे न्यूज आर्टिकल्स हैं ठीक है और बहुत सारे जो ऑफिशियल्स हैं उनकी तरफ से यही आया है कि या तो 15 अगस्त का 15 uh, अगस्त के दिन वो अपना रिजल्ट आ जाएगा नीट का या फिर रिज़ल्ट आएगा पंद्रह अगस्त के बाद ही आएगा तो पंद्रह अगस्त से पहले तो अपन सोचना भी नहीं है कि हाँ रिज़ल्ट आ ही जाएगा तो पंद्रह अगस्त के बाद ही रिज़ल्ट आने वाला है और ये सत्रह अठारह तक मुझे लगता है कि सत्रह अठारह अगस्त तक के बाद ही आएगा रिजल्ट अपना ठीक है तो पंद्रह अगस्त के बाद में नीट दो का नीट दो का रिज़ल्ट आने वाला है नीट 2022 का रिज़ल्ट आने वाला है तो एक आइडिया लग जाएगा रिज़ल्ट में क्या है कि आइडिया लग जाएगा रैंक देख कर आइडिया लग जाएगा कि कहाँ सेंड कर रहे हैं उसके बाद में क्या है कि उसके बाद में कट ऑफ जो है वो प्रिडिक्ट करना और ईजी हो जाता है ठीक है पर्टिकुलर कैंडिडेट का बता सकते हैं अपन रैंक देखकर कि इसको इतनी रैंक पर कॉलेज अलॉट हो जाएगा या नहीं हो जाएगा ठीक है ऑफ और काउंसलिंग या फिर नीड्स से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कोई क्वेश्चन है कोई क्यूरी कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर दीजिए वीडियो को इंफॉर्मेटिव लगा है तो लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना थैंक यू सो मच